हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू चिल्ड्रन? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको आज ग्रुप में चैप्टर टू के गुटली के क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो अपने ग्रुप में से देख के उन क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। उसमें दे रखा है एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर 54-55 की, और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो आप एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल कर लेना, और क्वेश्चन आंसर जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं उन्हें क्यों कॉपी में करना है, और जिन बच्चों के हो रहे हैं वो मत करना। क्योंकि अभी जो ये क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ, ये दौरान में जो करवा रही हूँ, ये वाला ही कोर्स आपके एग्ज़ाम में 50% में आएगा। तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर करने हैं। जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं वो ज़रूर करेंगे, और जिनके हो रहे हैं वो दौरान में उसे लर्न कर सकते हैं। अब हमने जो चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किए, आज मैं इसकी आपको वर्कशीट करवा रही हूँ। तो आप इसकी वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट दो करवाएंगे बच्चों। आज मैं इस वर्कशीट को समझा रही हूँ, कल आपको इस वर्कशीट का पेपर और आंसर शीट दोनों आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। तो आप उसको देख देख के, समझ समझ के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट और रोंग का निशान लगाओ। इस तरह से आपके दे रखा है कि राइट और रोंग का निशान लगाओ। माता ने आलू बुखारा खाया, माता ने आलू बुखारा खाया, तो ये चीज सही है, राइट है या रॉन्ग है? अब आप देखो, क्या माता ने आलू बुखारा खाया था? वान्या ने पहले ऐसा फल नहीं देखा था, ये बात सही है, वान्या ने पहला ऐसे फल नहीं देखा था, राइट या रॉन्ग? तो आपको इसमें राइट है तो राइट और रॉन्ग है तो रॉन्ग लगाना है। सबने आलू बुखारा खा लिया था, सबने आलू बुखारा खा लिया था, तो ये बात राइट है तो राइट लगाएंगे, और रॉन्ग है तो रॉन्ग लगाएंगे। सबने आलू बुखारा खा लिया था। वान्या के चेहरे का रंग उड़ गया, वान्या के चेहरे का रंग उड़ गया, राइट है या रॉन्ग है? पिता ने आलू बुखारे खरीदे, पिता ने आलू बुखारे खरीदे, राइट है या रॉन्ग है? अब आप देखेंगे, राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है आपको। फिर वापस से रिपीट कर रही हूँ, पहला है माता ने आलू बुखारा खाया, वान्या ने पहले ऐसा फल नहीं देखा था, सबने आलू बुखारा खा लिया था, वान्या के चेहरे का रंग उड़ गया, पिता ने आलू बुखारे खरीदे। तो आपको ये वाली वर्कशीट में व्हाट्सएप पे कल सेंड करूँगी, आज मैं इसको समझा रही हूँ। अब आपको इसको देख के आपको इसके आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब है रिक्त स्थान, माता ने आलू बुखारे रख दिए। अब माता ने आलू बुखारे किस में रख दिए थे? तश्तरी में रख दिए थे या फ्रिज में रख दिए थे? तो जो भी आपको आंसर सही लगे वो आप लिखेंगे। वान्या आलू बुखारे को रहा, वान्या आलू बुखारे को क्या करता रहा था? ऑप्शन में दे रखा है आपके, घूरता या सूंघता। तो आप इन दोनों में से जो सही है, अगर घूरता सही है तो घूरता, और सूंघता सही है तो सूंघता लिखेंगे। वान्या के चेहरे का उड़ गया, वान्या के चेहरे का उड़ गया, वान्या के चेहरे का क्या उड़ गया? रंग उड़ गया या होश उड़ गया? रंग उड़ गया। सभी मिलकर खाने लगे, सभी मिलकर क्या खाने लगे? वो तो आपके बुक में था। अब देखो, खाना खाने वाला बीमार पड़ सकता है, आलू बुखारे कम हो गए, इसके पहले क्या आएगा? आलू बुखारे को रहा, सूंघता रहा या घूरता रहा? खाने वाला बीमार पड़ सकता है, यहाँ पे क्या आया? आलू बुखारे खाने वाला बीमार पड़ सकता है, के चेहरे का रंग उड़ गया। अब किसके चेहरे का रंग उड़ गया था? तो आपको वो इनमें से देख के लिखना है। अब ये माता ने आलू बुखारे कहाँ रखे? माता ने आलू बुखारे तश्तरी में रखे। वान्या ने आलू बुखारे देकर क्या किया? वान्या ने आलू बुखारे देकर क्या करा था उसने, वो आपको लिखना है। अब है आपके थर्ड वाला क्वेश्चन, आलू बुखारा कम होने पर पिता ने क्या कहा? ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ताकि आप उसमें से समझ सकें, और ये वर्कशीट आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ताकि आप देख के उनके क्वेश्चन लिख सकते हैं। वान्या क्यों रो पड़ा? गुटली पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? गुटली पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? अब देखो, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, रंग उड़ जाना, रंग उड़ जाना का अर्थ क्या है वो आपको लिखना है। रंग उड़ जाना यानी घबरा जाना, रंग उड़ जाना यानी घबरा जाना। वश में न रख पाना,
अब वश में न रख पाना यानी काबू में न रह पाना, मुसीबत में पड़ना। मुसीबत में पड़ना का क्या अर्थ है? इर्द गिर्द मंडराना, इर्द गिर्द मंडराना, चेहरा लाल हो जाना। तो ये थी आपकी वर्कशीट क। अब ये अभी इसमें आपके मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अब जब मैं आपको कल वापस से इसकी आंसर शीट भी समझाऊंगी और इसकी क्वेश्चन और आंसर शीट दोनों आपको दूंगी, तो आज आपको जो वर्कशीट मतलब जो क्वेश्चन आंसर मिले हैं व्हाट्सएप पे, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।